जी विधायक जी नमस्कार। नमस्कार जी, ग्रामीण भारत संवाद में आपका स्वागत है आदरणीय विधायक जी। और इस लॉकडाउन के अंतर्गत मैंने एक ये मुहिम चलाई है जिसके अंतर्गत जो हमारे जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि है कहीं ना कहीं उनसे मैं संवाद करता हूं, उनसे मैं सवाल पूछता हूं क्षेत्र के संबंधित। तो सबसे पहले मैं परिचय से स्टार्ट करता हूं। मैं हूं नेपाल सिंह राणा, गांव मनट, जनपद शामली, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। और आप हैं देवेंद्र निम जी, वर्तमान में विधायक हैं भाजपा के रामपुर मनिहारन सीट से, जो कि जनपद सहारनपुर में पड़ती है। और जो दर्शक अभी इसको देख रहे हैं और ग्रामीण भारत संवाद के माध्यम से आगे इस इंटरव्यू को देखेंगे, उत्तर प्रदेश में दो रामपुर पड़ते हैं, एक रामपुर आजम खांजी वाला और एक रामपुर मनिहारन सहारनपुर जनपद के अंतर्गत आता है। तो आपका पुनः स्वागत है आदरणीय विधायक जी। तो आप जो आज की चर्चा है आदरणीय विधायक जी, वो है जो एक वैश्विक महामारी चल रही है कोविड-19, उसको लेकर के। तो मेरा आपसे पहला सवाल है आदरणीय विधायक जी, आपका अभी तक का सफर कैसा रहा शिक्षा और राजनीति जी, बताएं। मेरा जो सफर राजनीतिक क्षेत्र में शुरू हुआ तो काफी चैलेंजिंग है और इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि हम लोग जब ये राजनीतिक क्षेत्र में क्योंकि आए तो कुछ गोल्स लेकर आए थे कि समाज में कुछ अच्छा करेंगे, कुछ अच्छा वर्क करेंगे, और उसी को लेकर लगातार हमारी सरकार के भी 3 साल हुए और मेरे को बने भी विधायक 3 साल हुए। लेकिन विडंबना ये रही कि जब हमारे 3 साल पूरे हो रहे थे तो कोरोना जैसी एक घातक बीमारी ने पूरी दुनिया को जगड़ने का काम किया, जिससे हम अपने अपने क्षेत्र में कराए हुए कार्य को जिसका प्रचार प्रसार करते, हमारी सरकार अपनी 3 साल की उपलब्धि बताती, उससे पहले ही लॉकडाउन का एक बहुत बड़ा ऐलान माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया और जिसके लगातार हम लोग सब लोग उसका पालन भी कर रहे हैं और जी और आगे भी हम लोग उसका पालन करते रहेंगे जैसे जैसे हमें माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्देश मिलता रहेगा जी। अच्छा आदरणीय विधायक जी, मैं आपकी शिक्षा देख रहा था, आपका प्रोफाइल चेक कर रहा था, तो आप दिल्ली विश्वविद्यालय से सही कहीं ना कहीं आपने शिक्षा ली है शायद मैं गलत ना हूं तो जी। तो आपका जो स्टूडेंट के रूप में जो सफर रहा वो हमारे दर्शकों को बताएं कि दिल्ली विश्वविद्यालय से आपने क्या किया और तमाम चीजें जो हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने बीए का डिग्री ली थी और उसी में बनने दो, हम लोग गए थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में आईएएस आईपीएस की तैयारी के लिए, लेकिन क्योंकि मैं राजनीतिक क्षेत्र से आता हूँ और मेरे पिताजी भी विधायक रहे हैं, मेरी माता जी ने मायावती जी के खिलाफ चुनाव भी लड़ा था 96 में, तो एक लंबी पारी हमारी पूरी परिवार की है राजनीतिक क्षेत्र में। लगभग 40 साल से हम लोग एक्टिव राजनीति में हैं। मेरे पिताजी जो काफी उन्होंने संघर्ष किया और उसी संघर्ष में उन्होंने कई बार चुनाव लड़े, विधायक भी रहे, लेकिन क्योंकि उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ा गया था इस वजह से मुझे उनका आदेश हुआ कि आप मेरे साथ आकर रहें, क्योंकि मेरा एक भाई जो है वो लंदन में है जी। तो क्योंकि बड़े भाई होने के नाते मुझे परिवार की तरफ ध्यान देना था, इसलिए मैंने अपनी ग्रेजुएशन करके मैं घर के जो काम थे, जो घर के राजनीतिक फील्ड थी, उसको मैंने संभालने का काम किया और लगातार परिवार का जो व्यवसाय था क्रिकेट थी उसको आगे बढ़ाते हुए पार्टी में एक्टिव रहा और पार्टी ने मेरे को जिम्मेदारी दी, जिले का महामंत्री बनाया। लगातार मैं 2 बार जिले का महामंत्री रहा भारतीय जनता पार्टी का और जो भी कार्य मुझे पार्टी के द्वारा दिए गए मैंने उसमें पूरी ईमानदारी से मेहनत से उसको मैंने अंजाम दिया और उसी का फलस्वरूप है कि आज मैं आपके बीच में विधायक, जो 2017 में जब पार्टी ने टिकट दिया तो मैं बहुत बड़ी जो एक कड़ी सीट जिसको पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में माना जाता था और उसी के बारे में मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को कि रामपुर जो सीट है, रामपुर मनिहारन जो सहारनपुर लोकसभा के अंतर्गत आती है, 20 साल से बीएसपी का कब्जा उस सीट पे रहा है कम से कम, और आदरणीय देवेंद्र निम जी ने भाजपा का वनवास वहां से खत्म किया है और उनको जो मत मिले थे 17वीं विधानसभा में 2017 में,
76,465 मत मिले थे देवेंद्र नीम जी को, और जो सीटिंग एमएलए थे 16वीं विधानसभा में रविंदर कुमार मोल्लू जी, 75,870 मत उनको मिले थे, और बहुत छोटे से अंतर से आपने जीत दर्ज की थी, मात्र 595 वोटों से आप चुनाव जीते थे। तो शायद मैं अगर गलत ना हूं तो ये मेरे पास आंकड़ा है आपका। और सही आंकड़ा, क्योंकि ये जो सीट तो मेरा, जैसे आपने अभी बताया कि ये सीट जो है लगातार 20 वर्षों से बसपा के कब्जे में थी, और जी जी हम लोगों के जो जब मैं चुनाव लड़ने गया था तो लोग बड़े अचंभे में थे कि एक नया लड़का जिसको क्षेत्र में अभी इतनी ख्याति भी प्राप्त नहीं है, और वो कैसे दो बार के विधायक को हराएगा, और जिसका पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक तरह से दबदबा था। सहारनपुर की बात करें तो सहारनपुर में भी जो हमारे जो विधायक थे उनका काफी दबदबा पार्टी में भी था और पश्चिम में भी उनकी अच्छी पकड़ थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कैडर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और हमारे सभी सम्मानित हमारे मतदाताओं का आशीर्वाद मुझे मिला, और मैंने एक जो पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो टफ सीट मानी जाती थी उसमें भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाकर वहां पर एक भारतीय जनता पार्टी में एक हमने एक सीट डालकर पार्टी की झोली में डालने का काम। जी आप सभी दर्शकों को बता देना चाहता हूं जो अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं और ग्रामीण भारत संवाद के माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से देखेंगे, सहारनपुर लोकसभा की बात कर लूं, सहारनपुर जनपद की बात कर लूं, तो सहारनपुर जनपद के अंतर्गत दो लोकसभा पड़ती है जिसमें से सहारनपुर लोकसभा और कैराना लोकसभा, दो लोकसभा पड़ती है और 7 विधानसभाएं पड़ती है जिसमें से सहारनपुर नगर, सहारनपुर देहात, रामपुर मनिहारन, बेहट, नकुड़, देवबंद और गंगो। बीजेपी अभी 4 विधानसभा में बीजेपी के विधायक हैं, 2 में कांग्रेस के विधायक हैं और 1 एसपी की झोली में है, समाजवादी पार्टी की झोली में है। पिछले दिनों राजीव गुंबर जी भी ग्रामीण भारत संवाद से जुड़े थे जो निवर्तमान विधायक रह चुके हैं। तो आदरणीय विधायक जी, मेरा दूसरा सवाल आपसे है, कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते विधानसभा स्तर पर और ग्रामीण स्तर पर आपके द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए, थोड़ा संक्षेप में हमें बताएं। जी, जब से ये महामारी शुरू हुई है लगातार हमारे द्वारा या पार्टी के द्वारा जो भी हमें निर्देश दिया गया हम उसका पूरे तरह से पालन करते हुए मुंह पर मास्क लगाकर या गमछा लगाकर और जो भी हमें ऊपर से सरकार के द्वारा हमारे संगठन के द्वारा हमें बताया गया हम उसका पालन करते हुए जहाँ पर जी किसी व्यक्ति को भोजन की आवश्यकता है, किसी को राशन कार्ड की उपलब्धता हो, चाहे किसी को आर्थिक मदद हो, उसके लिए हम अपने स्तर से जो भी हमारे से बन पड़ा हमने उसमें मदद की और लगातार हम लोग लगातार मदद करते आ रहे हैं। और बीच बीच में कई बार हमें अभी जो प्राकृतिक आपदा हुई जिसमें हमें बारिश का सामना करना पड़ा, आंधी तूफान का सामना पड़ा, हमारे किसान भाइयों का बड़ा नुकसान भी हुआ, उसके मद्देनजर भी हमने बीच बीच में जाकर किसान भाइयों के बीच पर जाकर उनके फसलों का देखा। हमने किसान भाइयों का एक मुद्दा उठाया था, बीच जो एक उनको जो अनलोडिंग लोडिंग के ऊपर उनसे चार्ज लिया जाता है उसके बारे में भी हमने इस बात को उठाया, और जहाँ पर गेहूँ खराब हो गया था या कहीं पतला था उसको भी लेकर हमने किसानों के बीच पर क्रय केंद्रों पर जाकर औचक निरीक्षण किया, और समय समय पर हमने अपने मंडल अपने जो विधानसभा उसके जो भी सीएससी पीएससी है वहाँ जाकर निरीक्षण भी किया और देखा भी कि क्या वहाँ पर इलाज वहाँ के जो डॉक्टर हैं उनकी टीम द्वारा दिया जा रहा है। मुझे गर्व है कि हमारे जो जितने हमारे सरकारी अस्पताल आते हैं उस पर सबने बड़ी ईमानदारी से और बड़े लगन से जितने भी वहाँ पर बिठाए उनको उनका इलाज किया और उनको क्वारंटाइन में अगर भेजने की जरूरत पड़ी तो उनको क्वारंटाइन भी किया, और लगातार हमारे डॉक्टर और हमारी पूरी फोर्स इस क्वारंटाइन का जो कोविड का जो एक जी कहीं ना कहीं कनेक्शन में अवरुद्ध हो रहा है उत्पन्न, तो आदरणीय विधायक जी एक बार फिर पुनः चुनेंगे। जी विधायक जी, आवाज आ रही है? आ गया, आ गया। जी तो जी, ये जी, लगातार हम लोग लगातार चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो चाहे किसानों को मुद्दे लेकर, जब भी कभी हमें अगर फील्ड में जाना पड़ा तो हम गए, लेकिन हमने
जो सोशल डिस्टेंसिंग जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं उसको मेंटेन किया, दो गज की जो दूरी है उसको रखा। सीमित ड्राइवर और मैं गया, मेरे कार्यकर्ता अलग गए, तो हम लोगों ने पूरा पूरा जो सोशल डिस्टेंसिंग जिसके लिए हम लोग बार 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 सरकार के द्वारा और माननीय प्रधानमंत्री के बारे जी के द्वारा बताया गया, उसका हमने पूरी तरह ईमानदारी से पालन किया। मास्क लगाया और जनता के बीच में गए, जो भी जनता की दी परेशानी इस लॉकडाउन को लेकर हुई उसमें हमने उसमें ईमानदारी से प्रयास भी किया और उसको हमने देखा कि उसमें हमारे ग्रामीण अंचलों में जो रहने वाले हमारे सभी गांव में रहने वाले हमारे सभी मतदाता हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बहने हैं, हमारे किसान भाई हैं, सभी ने प्रधानमंत्री जी की बात का पूरी तरह से पालन किया। और आज आप गाँव में जाएंगे तो आप शहर से ज्यादा लोग जो है लॉकडाउन का पालन करते नजर आएंगे। जी अच्छा, मेरे पास एक आंकड़ा है सहारनपुर का, अभी कोरोना को लेकर के 15 मई 2020 यानी कि कल का ये आंकड़ा है, आज आए पॉजिटिव केस जो है वो एक केस आया है अभी सहारनपुर में, और अभी तक कुल पॉजिटिव केस की जो संख्या है वो सहारनपुर में 192 है और पॉजिटिव केस उनमें से 32 हैं। और एक अच्छी खबर आ रही है सहारनपुर जनपद से, जो अभी ठीक हुए हैं कोविड-19 से उनकी संख्या 160 हो चुकी है और कुल सैंपल 4,853 लिए गए हैं जिसमें से निगेटिव 3,865 आए हैं और लंबित रिपोर्ट 797 है। तो ये एक अच्छी खबर आ रही है सहारनपुर में, जो रिकवर हो रहे हैं कोविड-19 के जो पेशेंट उनकी जो मात्रा है वो बढ़ती जा रही है, ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है। और रामपुर मनिहारन में मैं देख रहा था कि रामपुर मनिहारन में आपने गोचर कृषि महाविद्यालय को और इंटर कॉलेज को क्वारंटीन सेंटर के रूप में आपने बनाया है, सरकार ने बनाया है। तो अच्छा, एक समस्या है, मेरा अगला सवाल है आदरणीय विधायक जी आपसे, क्षेत्र की एक समस्या है सहारनपुर दिल्ली वाया शामली रेलवे अंडरपास, कहीं ना कहीं बरसात के मौसम में पानी से भर जाते हैं, तो इसको मुक्त कराने को लेकर के आपके द्वारा क्या कदम उठाए गए? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि मैं कल ही मेरी विधानसभा में मेरे लिए एक चैलेंज है कि मेरी विधानसभा में सबसे ज्यादा जो अंडरपास पड़ते हैं वो मेरी विधानसभा में, तो मैं जी चाहे वो सोन अर्जुनपुर ले लें, चाहे आप उसमें मनानी भाकला, ये सब तमाम जो आपकी विधानसभा में जो जी जी घसोती है, तो तमाम ये जो जी तो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ता है, और खासकर कि इस मानसून के मौसम में, आने वाला जो मानसून का मौसम है इसमें, तो इसको लेकर के मेरा सवाल है कि आपने जो है अभी तक क्या कदम उठाए? जी बताएं। क्योंकि मैं थोड़ी बात इसको क्लियर कर दूं, ये जो रेलवे लाइन है ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट है, प्रोजेक्ट है, इसमें राज्य सरकार का कोई भी इसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन उसके बाद भी, क्योंकि विधानसभा का मैं विधायक हूँ, मैं जब भी मुझे इस बारे में पता लगा, मैं पिछली बार भी मुझे बताया गया जब बरसात हुई थी तो काफी पानी अंडरग्राउंड में भर गया था, तो मैंने एसडीएम को फोन करके मौके पर मैंने निरीक्षण करके एसडीएम को फोन किया और वहां पर पंपिंग सेट के माध्यम से हमने उस पानी को निकालने का काम किया। और ये जो है चक्र लगातार चलता आ रहा है, तो हमने रेलवे के अधिकारियों से भी और अपने सरकार से भी आग्रह किया कि कुछ एक ऐसा डिजाइन किया जाए कि जो हमारे ओपन जो अंडर पास है इनको कवर किया जाए और उसके आगे एक बड़ा सा स्पीड ब्रेकर बनाकर, जिससे जो आगे का सड़क का पानी वो अंदर ना जाए, और एक नीचे बोरवेल करवा के पंपिंग सेट लगा के और एक आदमी की वहां पर नियुक्ति हो जाए, जिससे वो जब भी कभी पानी का इकट्ठा हो तो उसको निकालने का काम उस आदमी के द्वारा हो। तो ऐसे हमने सुझाव भी अपनी सरकार को माध्यम से हमने रेल राज्य मंत्री जी को भी दिए हैं, क्योंकि ये सारा का सारा मामला जो है इंडियन रेलवे का आता है और इंडियन रेलवे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा उपक्रम है, लेकिन हमारी क्योंकि हम विधायक हैं हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जब भी कभी ऐसी दिक्कतें आए तो हमें वहां पर जाकर, मैं कल ही क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले सहारनपुर में बहुत बड़ी बरसात हुई थी जिसमें आज फिर दोबारा उसमें जो है काफी पानी इकट्ठा हुआ था, तो मैं कल दो जगह नागल ब्लॉक में खटौली और बसेड़ा मैं खुद वहां पर निरीक्षण करके आया और मैंने उसके बारे में डीएम साहब से भी कल उसके बारे में बताया, क्योंकि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डीएम साहब के पास जो हमारे यहाँ पर जो प्रवासी मजदूर आए हुए हैं उनको यहाँ से सफलतापूर्वक भेजने का भी एक काम वो देख रहे हैं। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि हम शीघ्र ही ये जो अंडर पास वाली समस्या है इसको भी हम
निपटाने का काम करेंगे। इस पर भी एक बहुत अच्छा एक जैसे अब मैंने सुझाव दिया उस पर वो सुझाव पर अमल करेंगे। क्योंकि विधायक जी आपको मैं बता देना चाहता हूँ, अब तो आपकी केंद्र में भी सरकार बीजेपी की है, राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, अगर ये समस्या अभी भी बनी रहती है तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर खड़ा होगा कार्यशैली पे। ये समस्या का क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि अभी अंडरपास जो है कई जगह पे डेवलप हो रहे हैं, मतलब बन रहे हैं, और दूसरी प्रोसेस हमारी सरकार की, हमने जो अवगत कराया वहाँ पे जो उनके इंजीनियर्स थे, उनके जो टेक्निकल लोग थे वो आए भी थे, उन्होंने सर्वे भी किया था। और आपको बताना चाहता हूँ कि सोना अर्जुनपुर पे वो जो शेड का काम है वो लगभग पूरा होने जा रहा है, तो ऐसी शेड जितने भी अंडरपास हैं उन पर बनकर जल्दी ही मुझे लगता है अगर ये महामारी ना होती तो इस पर बहुत तेजी से काम चलता भी, और ये जो शेड बन जाते तो उसमें पानी की जो बहुत बड़ी समस्या थी उसका एक समाधान निश्चित रूप से अपनी जगह ले लेता अगर ये महामारी नहीं आते। क्योंकि इस महामारी के आने की वजह से काफी हमारे जो डेवलपमेंट के काम है, चाहे वो हाईवे हो, चाहे वो रोड के काम हो, चाहे ब्रिजेस के काम हो, सबके सब एक तरह से होल्ड पे, और यही हाल जो है जो टीम जो शेड बनाने का चल रहा था अंडर पास पर उस पर भी जो है इस पर विराम लगा है। लेकिन मुझे उम्मीद है जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा ये काम बहुत तेजी से होंगे, और आशा है कि आगे जब आप हमारे से मिलेंगे तो हम इस पे जो है चर्चा ही करेंगे कि आपके द्वारा जो ये जो काम आपने ये मुद्दा उठाया था तो उस पर हमने हमारी सरकार ने केंद्र सरकार ने इस पर अमल किया जी। अच्छा आदरणीय विधायक जी, मेरा अगला सवाल है आपसे, विधानसभा स्तर पर गेहूं क्रय केंद्रों का क्या क्या स्थिति है थोड़ा बता दें जी, जिस तरीके से क्योंकि कुछ घटनाएं सामने आ रही हैं, कुछ क्रय केंद्रों पर ये घटनाएं रही कि जो बरसात की वजह से जो गेहूं काले हो चुके हैं उनको कहीं ना कहीं क्रय केंद्र नहीं ले रहे हैं, तो इस पर आपका क्या, आपने क्या कदम उठाए जी बताएं। मैं बताना चाहूंगा जैसे आपने अभी पूछा, मैंने कल इसी बारे में अपने जो जिला अधिकारी है उनसे भी मैं गया था मिलने और उस बारे में चर्चा करी, उनको बताया कि जो हमारे क्षेत्र के जितने भी गेहूं केंद्र हैं वहां पर ये समस्या है, और ये समस्या वाजिब भी है क्योंकि जो बरसात हुई है उसकी वजह से इस बार जो है गेहूं का दाना एक तो बहुत ज्यादा बारीक हुआ है और कहीं ना कहीं वो काला भी हुआ है जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। लेकिन मुझे डीएम साहब के द्वारा ये आश्वासन दिया गया कि मैं इस पर बड़ी गंभीरता से इसके बारे में जो हमारे यहाँ के जिले के आरएमओ है उनको इस बारे में उन्होंने निर्देश दिया है कि इस पर तुरंत एक्शन लिया जाए, और मुझे उम्मीद है कि आज कल में ही इस पर बहुत जल्दी एक्शन हो जाएगा क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या मेरे को कई जगह से सूचना आई थी। इसी वजह से मैंने कल ये इसको प्राथमिकता लेते हुए जैसे अंडरपास है या जो भी गेहूं केंद्र पर जो गेहूं पतला हो गया या जो काला हो गया उसको वहां पर जो नहीं लिया जा रहा, इस संबंध में मैंने विधायक जी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो रामपुर मनिहारान के आसपास के जो क्षेत्रवासी हैं उनका फेसबुक के माध्यम से मेरे पास कहीं ना कहीं सवाल आए कि ये सवाल जरूर आप विधायक जी के सामने रखें कि क्रय केंद्रों पर जो काला गेहूं है उसको खरीद को लेकर के थोड़ा जो उचित कदम है वो उठाएं, क्योंकि किसान पहले से ही त्रस्त है COVID-19 की वजह से, तो कहीं ना कहीं उनकी जो फसल है वो प्रॉपर तरीके से खरीदी जाए। मैंने बताया ना मेरा आपसे मैंने ये सवाल जो है कल मैं ये दो तीन मुद्दे लेके कर डीएम साहब से मैंने इस बारे में वार्ता करी थी, और मैंने आज उसको अपनी फेसबुक पर भी और आज कुछ समाचार पत्रों पर भी ये समाचार लगाया कि विधायक जी कल जो है अपने क्षेत्र के जितने भी किसान भाई थे उनको जो आपने जो सवाल रखा उसके सवाल का जो मैंने उनसे उस विषय के बारे में लंबी मेरी चर्चा हुई, और मुझे आशा है कि इस पर बहुत ही जल्द आपको जो है उसका रिजल्ट भी दिखाई देगा जी। अच्छा मेरा जो अगला सवाल है दंडे विधायक जी आपसे, प्रवासी मजदूरों को लेकर के, तो प्रवासी मजदूरों को लेकर के कहीं ना कहीं सरकार सजग क्यों नहीं है, जबकि वंदे भारत अभियान के माध्यम से विदेशों से सरकार जो है जो विदेशों में फंसे हैं भारतीय उनको लेकर के आ रही है, लेकिन जो अपने राज्यों में प्रवासी मजदूर फंसे हैं उसको लेकर के क्यों इतनी ढिलाई है, इस पर आपका क्या कहना है जी बताएं। नहीं ढिलाई कोई नहीं है, आज ही हमारे सहारनपुर से एक स्पेशल ट्रेन जी मैं देख रहा था अभी, आदरणीय गुंबर साहब जी वो भी गए हुए थे रेलवे स्टेशन पे, और पूर्व में जो सांसद रह चुके राघव लखनपाल जी वो भी रेलवे स्टेशन पे थे, लेकिन इतनी देरी क्यों कर रही है सरकार जी, देरी कुछ और नहीं सवाल है, भी जी हमारी सरकार जो है देरी नहीं कर रही क्योंकि व्यवस्था करनी पड़ती है हर आदमी का पूरा, हमारी सरकार कोई भी कदम ऐसा नहीं ले रही, हम लोग जो एक महा
महामारी से हम लोग जूझ रहे हैं उसको और ज्यादा बढ़ावा मिले, उसके लिए एक व्यापक रूप पर एक पूरी तरह से एक फुल प्रूफ काम हो रहा है, जिससे हमारे जो मजदूर भाई हैं वो अच्छी तरह से सुरक्षित तरीके से अपने गांव पहुंचे। उसके लिए हमारी सरकार ने जगह जगह पर बहुत बड़े बड़े, जैसे हमारे सहारनपुर में राधा स्वामी व्यास है, वहाँ पर सत्संग व्यास वहाँ पर बहुत बड़ा हमारे मजदूर भाइयों के लिए उनको खाने पीने की सुविधा, उनको रहने की, उनको पीने की, उनको नहाने की सारी सुविधा वहाँ पे उपलब्ध है। और वहीं से सारे हमारे भाइयों का, सभी का उनका पूरा चेकअप होने के बाद उनको जो बाय बस बाय ट्रेन उनको जो एक हमारा दारा है उसको तहत उनको उनके गंतव्य स्थानों पर पहुंचाने का काम बहुत तेजी से हमारी सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए मैं अपनी सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूं कि इतनी बड़ी आपदा में भी हमारी सरकार लगातार हमारे श्रमिक भाइयों के लिए, चाहे वो पैकेज को लेकर हो चाहे उनको घर तक पहुंचाने के लिए हो, लगातार इस पर दिन रात काम चल रहा है। जी आशा करते हैं विधायक जी आप जरूर इस ओर सरकार का ध्यान केंद्रित करेंगे, इस ओर की जो मजदूर भाई हैं, प्रवासी मजदूर हैं, वो कहीं ना कहीं अपने घरों की ओर जो पैदल कूच कर रहे हैं तो उनको कुछ ना कुछ माध्यम मिले। अच्छा जो हमारे जो आपके अच्छे कार्य हैं वो भी हमें मिलते रहते हैं समय समय पर, जो कुछ गलत कार्य हैं वो भी हमें मिलते रहते हैं। एक आपके द्वारा एक अच्छा कार्य कराया गया है कि आपके द्वारा रामपुर ग्रामीण क्षेत्र की जो कॉलोनियां थी अभी पिछले दिनों नगर पंचायत रामपुर मनिहारन में जोड़ा गया, तो इसका श्रेय कहीं ना कहीं आपको जाता है और इसीलिए मैंने आपको बताया ताकि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग थे वो भी विकास की मुख्य धारा में जुड़ सकें। तो ये आपके द्वारा एक अच्छा कार्य कराया गया जी, इसका श्रेय हमारी सरकार को जाता है। मेरा तो एक प्रयास था क्योंकि मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, मेरा काम है प्रयास करने का। जी अच्छा जी विधायक जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, हाल ही में मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज की घोषणा की, लेकिन कहीं ना कहीं किसान उसमें ठगा हुआ महसूस कर रहा है, उसको तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, क्योंकि उसमें जिस तरीके की चीजें उनको देनी चाहिए थी किसान को उस तरीके की चीजें नहीं मिल रही हैं। 25 लाख नए क्रेडिट कार्ड, आज बाबा टिकेत जी की पुण्यतिथि भी है, उनको मैं नमन करता हूं, उन्होंने एक बात कही थी कि अगर किसान को उसके वाजिब दाम मिल जाए तो उसको लोन की जरूरत ही नहीं है, तो इस पर आपका क्या कहना है जी बताएं। आर्थिक पैकेज को लेकर मैं भी बाबा टिकेत जी को नमन करता हूं। और हमारी सरकार जब बनी थी आपने देखा था हमारी सबसे पहली हमारे जो कैबिनेट की पहला जो निर्णय हुआ था योगी सरकार का, वो हमारे किसान जो थे लघु और सीमांत किसान उनको हमने 1 लाख का जो फसली ऋण था हमने उसको माफ करने का काम किया था। ये सरकार हमारी जो है किसानों की मजदूरों की सरकार है, लगातार जितने भी कार्य हो रहे हैं वो चाहे आपने देखा हमने पिछली बार भी गेहूं का रेट बढ़ाया था, हमने लगातार उनको DTF के माध्यम से उनको RTGS के माध्यम से बीच के जो दलाल थे उनको खत्म करते हुए उनको किसान भाइयों को उनको सीधे उनके अकाउंट में पैसा पहुंचाने का काम किया। अभी हमारे जिस क्षेत्र से मैं आता हूं वहां पर गन्ने का बहुत बड़ा हमारे किसान उत्पाद करते हैं और आज आपको जाकर खुशी होगी पिछली बार भी हमारी सरकार ने जब तक हमारे मिल चले जब तक के किसान के खेतों में गन्ना खड़ा रहा और इसका कहीं ना कहीं क्रेडिट हमारी सरकार को जाता है कि हमारी सरकार ने ये तय कर दिया था कि जब तक किसान भाइयों का गन्ना एक एक गन्ना मिल तक ना आ जाए जब तक मिल चले और आपने देखा भी मिल चल भी रहे। तो गन्ने के मुद्दे पर आदरणीय विधायक जी गन्ने के मुद्दे पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ, वो किसी और दिन मैं आपसे लूंगा, क्योंकि गन्ने के मुद्दे पर अगर मैं अभी आपसे सवाल पूछने लगूं क्योंकि तो फिर काफी लंबी चर्चा हो जाएगी, क्योंकि गन्ने का जो दाम है, आपने गन्ने की बात करी, 325 रुपए प्रति क्विंटल है जो कि 3 साल से एक भी रुपया नहीं बढ़ाया गया है, तो खामियां तो कहीं ना कहीं वहां पर भी है। और अगर मैं पेमेंट की बात करूं तो नवंबर तक का पेमेंट हुआ है जो कि 2017 में आपके संकल्प पत्र में ये कहा गया था कि 14 दिन के अंदर गन्ने का पेमेंट किया जाएगा वरना आपको उसके ऊपर ब्याज दिया जाएगा। तो खैर गन्ने की बात मैं नहीं जाना चाहूंगा जी। चलिए जी आप तो हमारी सरकार जो है लगातार किसानों को लेकर नई नई स्कीम, चाहे वो बीज को लेकर हो चाहे खाद को लेकर हो, एक हमारी स्कीम आई थी जिसमें अभी हमारे किसान भाइयों को नहीं पता, मुझे बड़ा कष्ट होता है कि हमारे किसान भाई इतने जागरूक होने के बाद भी जो सरकार की
इतनी अच्छी स्कीम है जिसमें हमारी सरकार ने 80% तक कृषि यंत्रों पर छूट दी, जिसमें हैरो टीलर ट्रैक्टर और जितने भी हमारे बीज हो, हमारी उन्नत किस्म की जो खेती है उसके लिए हमारी सरकार लगातार सब्सिडी लेकर आ रही है। तो हमारी सरकार लगातार किसान भाइयों के लिए ऐसे कार्यक्रम बनाती है जिससे हमारी सरकार की जो आय है वो दुगनी हो जाए। और मैं चाहूंगा अपने किसान भाइयों के वो जब भी ऐसे मेले लगे, ऐसी संगोष्ठियां हो, उसमें आप हमारे किसान भाई बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। आज बहुत बड़ा स्कोप हमारी सरकार ने जो बागवानी को लेकर है, यहाँ पर आप पॉली खेती कर सकते हैं जिसमें आप अच्छे किस्म के फूल लगा सकते हैं, आप बागवानी के नाम पर लीची के बाग, अमरूद के बाग और दूसरे किस्म के जो आजकल नई किस्म की खेती है उस पर भी हमारे किसान भाइयों को जाना चाहिए, ना कि हम जो पैर चले आ रहे हैं। आय दुगनी तभी होगी जब हम आने वाले टाइम में, जो आज एक परिस्थिति पूरे दुनिया में चेंज हुई है, कि उन्नत किस्म की जो टेक्निक से खेती हो जिसमें पानी कम लगे और अच्छी ग्रोथ हो और अच्छे बीज हो, तो इस तरफ हमारे किसान भाइयों को जाना पड़ेगा। और उसके लिए हमारी सरकार लगातार नए नए स्कीम लेकर आ रही है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने किसान भाइयों से आग्रह करूंगा कि आप ऐसे जब भी मेले हो, संगोष्ठियां हो, आप जरूर उसमें भागीदारी करें। उसमें आपको पूरी की पूरी 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 सूचना दी जाएगी कैसे आप अपनी जो फसल है उसको आप अच्छे रेटों पे मंडी में या आप स्वयं जाकर उसको कहाँ पर, और आजकल जो है इतने सारे ऐप आ गए हैं उसके माध्यम से भी आप अपनी फसल को बेच सकते हैं। तो हमारी सरकार लगातार ऐसे काम किसान भाइयों के लिए करने का काम कर रही है, लेकिन ये थोड़ा दुर्भाग्य हो गया इस बार के ये जो कोरोना वायरस एक महामारी आई, इसकी वजह से अच्छे जो हमारी सरकार और अच्छे काम लेकर आने वाली थी उस पर अभी ब्रेक लगा हुआ है। लेकिन मुझे उम्मीद है हमारी सरकार की, जो इतनी बड़ी पूरी मोदी सरकार और योगी सरकार और हमारे देश की अन्य सरकारें जितने भी हैं, सब लोग आज इतनी घातक बीमारी से बड़ी कुशलता से लड़ने का काम कर रहे हैं। और जब हम इस पर विजय पा जाएंगे तो फिर हम लोग, हमारा जो एक पहिया चल रहा था विजय का, जो एक बहुत तेजी से विकास इस देश में हो रहा था, वो तेजी से दौड़ेगा जिसमें हमारे किसान भाइयों का भी भला हो। जी आदरणीय विधायक जी, आपने बहुत बेबाकी से मेरे सवालों के जवाब दिए। तो चलते चलते आप जो क्षेत्र की जो जनता है रामपुर मनिहारन की और जनपद सहारनपुर की जो जनता है, उनको आप क्या अपील करना चाहेंगे? जी संक्षेप, मैं अभी उनसे इतना ही आग्रह करूंगा कि 2 गज की दूरी बनाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखें, अपने हाथों को हमेशा सैनिटाइज करें, साबुन से धोएं, मुंह पर कपड़ा मास्क लगाएं, अगर मास्क ना हो तो एक गमछा हो, अपना टॉवल हो उसको लपेट के जाएं। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार आग्रह करते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में आज कोरोना वायरस की जो बीमारी है पूरी दुनिया में फैली हुई है, इसको हम अपने अपने प्रयास से और अपने ईमानदारी से, जो मोदी जी कहते हैं, जो योगी जी कहते हैं, उसको उसी ईमानदारी से पालन करें, क्योंकि अगर हम सुरक्षित होंगे तो हमारा पड़ोसी, हमारे घर का आदमी सुरक्षित होगा। तो मैं एक बार फिर अपने सभी रामपुर के और अपने जिले सहारनपुर के सभी अपने बहनों भाइयों से आग्रह करूंगा कि वो इस बीमारी से लड़ें। और जो हमारे जितने भी हमारे डॉक्टर हैं, हमारे जो सैनिक, हमारे जो पुलिस के लोग हैं, हमारे प्रशासन के लोग हैं, उनकी सब मदद करें। अगर कोई लगे, किसी को कोई इस बीमारी के लक्षण हैं, तो तुरंत उसको बताएं और अपना जो एक हम लोग का एक सोसाइटी में रहने का जो फर्ज है उसको भी हमें निभाना चाहिए। सरकारें जो काम कर रही हैं वो तो करती रहेंगी, लेकिन एक समाज में रहने के लिए हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि जो समाज, जो सरकारें कम कर काम कर रही हैं, तो उसमें भी हमें समाज में रहकर समाज का भला करना चाहिए। मैं पुनः एक बार सभी का आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद करता हूं। एक बार पुनः सभी से कहूंगा कि एक बार सोशल डिस्टेंसिंग हमेशा बना के रखनी है, मास्क लगाना है और बार बार हाथ धोना। जी आदरणीय विधायक जी, आपने अपना मूल्यवान समय ग्रामीण भारत संवाद को दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप यूं ही जनता की सेवा में लगे रहें, रामपुर मनिहारन की जो सम्मानित जनता है उनकी सेवा में लग रहे हैं। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ मैं अब आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार। नमस्कार नेपाल जी।